हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं फॉल मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ बिकॉज आई एम अ लिटिल बोर्ड विद न्यूट्रल लुक्स एंड इट्स स्टिल वेरी हॉट हियर, बट आई रियली वांटेड टू डू अ फॉल मेकअप लुक। सो इफ यू गाइस वुड लाइक टू सी हाउ आई डू इट, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। आई एम स्टार्टिंग विद माई बेयर फेस, बट आई हैव मॉइस्चराइज माई फेस विद दिस लैला जॉफ्री 24K गोल्ड सीरम। उसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी। तो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की स्टिक फाउंडेशन, जिसको मैं ब्लेंड आउट करूँगी नेक्स्ट टोटल ड्रॉप फाउंडेशन के साथ। मैंने कुछ ही दिन पहले ये फाउंडेशन ख़रीदी है और मैं इसको सिर्फ दो बार ही यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई रियली लाइक इट। आई जस्ट थिंक ये थोड़ी सी नोज़ के पास से उतर जाती है जल्दी, अदरवाइज इट्स अ रियली नाइस फाउंडेशन। मैं इस तरह से स्टिक फाउंडेशन को अपने फेस के ऊपर लगा लूँगी और जो लिक्विड फाउंडेशन है मैं उसको अपने हाथ के ऊपर निकाल के फाउंडेशन ब्लेंडर के साथ ब्लेंड आउट कर लूँगी एंड आई जस्ट वर्क द फाउंडेशन इनटू माय स्किन। वो ऑलरेडी अच्छी कवरेज की फाउंडेशन है, काफ़ी हाई कवरेज है स्टिक फाउंडेशन जो मेकअप रेवोल्यूशन की है, लेकिन मैं और एक्स्ट्रा कवरेज देने के लिए लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको नेचुरल लुक और ज़्यादा फाउंडेशन नहीं पसंद तो आप कोई सी भी एक फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। और बाय द वे, इनका शेड था जो स्टिक फाउंडेशन थी उसका शेड था F2 और जो लिक्विड फाउंडेशन थी उसका शेड है नेचुरल। आई विल अप्लाई सम ऑन माय नेक एज वेल। आई एम जस्ट वर्किंग द फाउंडेशन इनटू माय स्किन। This is giving me really nice coverage. I'm sorry for the exposure क्योंकि light बिल्कुल कभी sunlight आ रही है कभी जा रही है and I use natural lighting for my videos. So I'm sorry if the lighting is bad. By the way, मैंने अपनी eyebrows को पहले से fill in कर लिया था जिसके लिए मैंने Anastasia का brow pomade use किया था। Foundation is almost done. फाउंडेशन इज़ डन। मैं कंसीलर के लिए मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड है C6। आई लव दिस कंसीलर, दिस इज़ सो अफोर्डेबल एंड सो अमेजिंग, द कवरेज इज़ आउटस्टैंडिंग। यूजली जितने कंसीलर्स मेरी अंडर आइज में क्रीज करते हैं उतना क्रीज भी नहीं करता। आई एम पुटिंग अ लिटिल ऑन माई नोज, सम ऑन माई चिन एंड सम ऑन माई फोरहेड एज वेल। आई एम ब्लेंडिंग इट आउट विद द सेम ब्यूटी स्पंज और मैं अपनी अंडर आइज़ को सबसे लास्ट ब्लेंड आउट करती हूँ क्योंकि अगर आप कंसीलर को थोड़ी देर तक लगे रहने दें और उसके बाद ब्लेंड आउट करें तो उसकी कवरेज ज़्यादा अच्छी आती है, इंस्टेड कि आप उसको फ़ौरन से ब्लेंड आउट कर दें। वॉट एवर इज़ लेफ्ट ऑन द स्पंज आई जस्ट यूज़ इट ओवर माई आईज सो दैट आई डोंट हैव टू यूज़ अ कंसीलर एंड सेट माई आईज। I'm going to bake my under eyes, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम गर्ल्स का लूज पाउडर, इसका नंबर है 301। और मैं थोड़ा सा पाउडर इसके लिड में लेके सेम ब्यूटी स्पंज के साथ अपनी आईलिड्स को ब्लेंड आउट करूँगी, मेकिंग श्योर आई हैव नो क्रीसिंग, वरना पाउडर के साथ मेरी क्रीसेस भी सारी सेट हो जाएंगी। टेकिंग सम पाउडर एंड अप्लाइंग इट अंडर माई आईज। If you're on a budget and you want a good loose powder, get this one because it doesn't even have like a flashback जो usually powders में होता है और इसकी quality भी काफ़ी अच्छी है and it's very affordable. I'm going in with my eye, जिसके लिए मैं Morphe का Jaclyn Hill palette use कर रही हूँ। Transition shades मैं इन दोनों shades को mix करके अपने crease में apply करूँगी, just putting it in my crease and blending it out, nothing special. And I'm bringing the shade all the way to my inner corner. I'm also applying the same shade onto my lower lash line. With a smaller brush, I'm going to be mixing these two shades and applying it directly in my crease. लेकिन जो last shade लगाया उससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे और इसको मेनली अपने आउटर कॉर्नर पे मैं फोकस करूँगी।
My lips feel really dry, so I'm going to be using this Amana lip balm. Tinted lip balm hai, to isliye thoda sa pink color aa jata hai. Now for my next shade, I'm going to be using Juvia's Place ki Masquerade Eyeshadow Palette. और इसमें से मैं ये वाला ज़ूबो कलर यूज़ कर रही हूँ एंड आई जस्ट फोकस इट ऑन टू माई आउटर कॉर्नर. दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट Juvia's Place, द शेडोज आर सुपर पिगमेंटेड. डूइंग द सेम थिंग ऑन दिस साइड. I'm taking a smaller brush and I'm taking the same shade और इसको मैं अपनी lower lash line में apply करूँगी. और अपनी eyelids के लिए मैं ये Rimmel का Scandal Eyes use कर रही हूँ. ये liquid eyeshadow है I guess और इसका shade है 3351. फिर मैस्क्यूरेट पैलेट में से मैं ये शेड लेके आई सेट द लिक्विड आई शेडो. आई एम जस्ट गोइंग इन विद द सेम आई शेडो ब्रश अगेन. आई एम जस्ट ब्लेंडिंग दीज टू शेड्स आउट टुगेदर ताकि बिल्कुल भी कोई हार्श लाइन ना हो. आई एम गोइंग टू पुट ऑन एन आई लाइनर. फॉर दैट आई एम यूजिंग बोर्जोइस कॉस्मेटिक्स का लाइनर फीचर आई लाइनर. For my eyelashes, I'm using Lasha Lashes, which is in the style Camellia. और अपनी आई लैशेज की ग्लू के लिए मैं स्वीट टच की लैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ. Oops, I forgot to coat my lashes with mascara before applying the eyelashes. I'll just coat them quickly. I'm just going to place the lashes onto my eyelids as close to my natural lashes as I possibly can and I'll just let it sit and then join it from the inner corner and then from the outer corner. This is actually the easiest way to apply lashes on. Maine kafi sare methods use kiye hain lekin this is the one which works the best for me. I'm going to be using my Summer of Love bronzer by Makeup Revolution. This is what it looks like. I'll just bronze my face all over. This is such a nice color which doesn't look muddy or fake or extra. So I really like to apply this a lot. Thoda sa main apne forehead pe bhi apply karungi. अपने ब्लश के लिए मैं उषास की ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैं ये पीची शेड यूज़ करूँगी. हाइलाइटर के लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन की सोफ पैलेट यूज़ कर रही हूँ, माय मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर पैलेट. और उसमें से मैं 8 शेड यूज़ करूँगी, दिस पिंकी शेड. This looks so pretty. थोड़ा सा हाईलाइटर मैं अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स पर भी अप्लाई करती हूँ बिकॉज व्हेन आई स्माइल सो द यू नो हाईलाइटर पॉप्स. इट मेक्स माय स्किन लुक्स हेल्दी व्हिच इट इजंट. सो फॉर माय लिप्स आई एम यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन की बुलेट लिपस्टिक और इसका शेड है नो परफेक्शन यट.
सो एज यू गाइज कैन सी दिस लिपस्टिक इज़ नॉट मैट, ये थोड़ी सी शाइनी इसकी फिनिश है, तो इसको मैट बनाने के लिए मैं ट्रांसल्यूसेंट पाउडर को अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई करूँगी जिससे लिपस्टिक बिल्कुल मैट हो जाएगी. आई एम जस्ट टेकिंग सम ऑन माय ब्रश एंड अप्लाइंग. This is the final look. I hope you guys enjoyed it, and if you did, please don't forget to like, comment and subscribe to my channel, and I will see you guys very soon in my next video. Bye.